उमर बाबा उमर या अल्लाह कहाँ चले गए हैं ये दोनों। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। मुझे ऐसे मत देखो, तुमने मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं सिर्फ आपके लिए आया था, बीमारी की वजह से। आपने देखा नहीं मुझे तकलीफ हुई। और मेरा क्या, जो मेरे दिल में आग लगी हुई है उसका क्या? हर दिन हर वक्त उस आग में जली हूँ मैं। तुमने अपनी बीवी और बेटा खो दिया, मैं जानती हूँ ये बर्दाश्त से बाहर, लेकिन यही किस्मत है। और मैंने अपना बेटा खो दिया, हालांकि वो जिंदा है, क्या ये भी किस्मत है? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ बेटा, माँ हूँ मैं तुम्हारी, माँ हूँ। अम्मी, जिस शख्स को आपने बीमारी का बहाना करके यहाँ बुलाया, उसमें और लाश में कोई फर्क नहीं। मैं खुद को भी मुश्किल से बर्दाश्त करता हूँ, सांस लेना भी मुहाल होता है। बेटा ऐसी बातें मत करो, तुम्हारे पास जीने की वजह है, तुम्हारा बेटा जिंदा है, मुझे यकीन है वो मरा नहीं है, मुझे यकीन है वो नहीं मरा। तो मिला क्यों नहीं, मैं उसे ढूंढ क्यों नहीं सका? अम्मी बरसों कोशिश की मैंने, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैं अपने बेटे के साथ कहीं खो गया हूँ। मुझसे बस ये हुआ कि मैं फरार हो जाऊं, लेकिन आप देखें मैंने क्या किया, क्या कर पाया मैं। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, बस मुझे मत छोड़ना। मैं घर पर नहीं रहूंगा, मैं सुबह सवेरे ये शहर छोड़ दूंगा। लेमिट, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती। आपको क्या लगता है मैं जिंदा हूँ, मर गया हूँ? जिस दिन मैंने अपनी बीवी और बेटे को खोया था, उस दिन आपको भी कबूल करना होगा। लेमिट, मुझे छोड़ के मत जाओ बेटा, मत जाओ मुझे छोड़ के। लेमिट, लेमिट मेरा बच्चा। उमर, पायरेट गेम अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, चलो देखते हैं कि आप में से कौन अच्छा खेल सकता है। अरे क्या हो गया है तुम्हें बेटा? बुखार हो गया है मरियम आपा। रुको मैं तुम्हें पानी लाकर देती हूँ। उठो शाबाश, पानी पियो। हाँ आराम से, ये लो पियो। डॉक्टर के पास गए थे, दवाई खाई है ना? अब तुमने आराम करना है, ठीक है बेटा? मैं अगर तुमसे कोई बात पूछूं तो क्या तुम मुझे सच सच बताओगे? क्या तुमने आज रात में बाबा और उमर को कहीं पर भी जाते हुए देखा था? मेरा नाम मत बताना आप। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है बताओ। धर्मोश भाई और बच्चे उस जगह गए हैं जहाँ आप जॉब करती हो। और उमर? हाँ वो भी आपा। क्या, किस लिए? पायरेट वाली गेम खेलने के लिए। ऐसा मत कहो। उमर, तुम वो कश्ती देख रहे हो ना? हाँ चामूर। और तुम उस कश्ती के अंदर जाओगे और उसके बाद वहां से तुम सारा खजाना समेट कर यहाँ वापस आ जाओगे। तुम इस गेम में कश्ती के मालिक हो, ठीक है? चीता, तुम दोनों मिलकर इन पर नजर रखोगे, कोई गलती ना हो। शाबाश, जाओ। शुरू हो गए। अब सुनो उमर, अब तुम एक पायरेट हो। तुम्हें पता है ना कि पायरेट्स क्या काम करते हैं? वो सारा कीमती सामान समेट कर अपने साथ ले जाते हैं, जैसे अंगूठियां, हार और पैसे वगैरह। एक खेल के तौर पर। हाँ, खेल के तौर पर। उल्लू मेरा बच्चो, तुम जामुन के साथ जाओ और खजाना ले आओ। अपा, कभी कहीं और दूर जाकर पार्क कर दो। हाँ चल चल, जल्दी कर।
ये बेवकूफ यहाँ क्या कर रही है? ये तो सारे किए किराए पर पानी फेर देगी। या अल्लाह, कहाँ ले गए हो उमर को? फोन नहीं उठा रहा। बेगम साहिबा, पुरसुकून हो जाएं, वो आपकी कॉल का जवाब जरूर देगा। लेविंट मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। मम्मी देखें, जो कुछ भी आपने किया वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, मेरे ख्याल में आपको लेविंट को कुछ वक्त देना चाहिए। अल्लाह ही जानता है अब उसको हम कितने सालों बाद देख पाएंगे। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं समझ सकती हूँ, ये एक मुश्किल वक्त है मम्मी। आपने कुछ नहीं सोचना है, सोने की कोशिश कीजिए। मैं कमरे में जा रही हूँ, गुड नाइट। बहादुर चलो। हाँ, मैं चलता हूँ। हौसला रखें बेगम साहिबा, हौसला। दिखाओ मुझे। हरगिज नहीं, मुझे दो वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं दूंगा मैं, पीछे हट जा। ये कौन है? जान, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? हम पार्लर वाला गेम खेल रहे हैं। हे, भागना मत, मैं कह रहा हूँ कि रुक जाओ। भागो मत, रुक जाओ। भागो बेटा, तेज भागो। रुको, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। रुको, भागो मत। थोड़ा तेज भागते, चलो यहाँ पर छुप जाते। हाँ। बेटा आवाज बिल्कुल नहीं निकालना, वरना पायलट हमें पकड़ लेंगे। सर नीचे कर लो। निकालती हूँ, ये भागने की वजह से हुआ है आपको। और आपने देखा, वो बुरा पायरेट गिरने ही वाला था। हाय, अरे तुमने तो डरा दिया मुझे। मरियम, एक बार इस मुश्किल से निकल जाऊँ, फिर देखना मैं उससे कैसे निपटता हूँ। देखना तुम।
ये तो सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात हो गई। चलो यहाँ से जल्दी भागो। क्या मुसीबत है, बुराई आती है ना तो चारों तरफ से आती है। चलो 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 चलो, सांस अंदर खींचो। पायरेट ने हमें देखा तक नहीं, कितनी अजीब सी बात है ना, चला गया है वो। चलिए आप सांस लें। हाँ। अंदर। हाँ शाबाश। शाबाश। मुझे माफ करना जान। किस बात पर जानू? वो अलमारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया था ना, मैं भूल गया था कि तुम्हें शोर बर्दाश्त नहीं है। बहादुर, चाहे तुम ये पूरा घर ही क्यों ना सर पे उठा लो अपने, मेरा मतलब है मुझे अब किसी चीज की भी परवाह नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारे अल्फाज सुनकर बहुत खुशी हुई मेरी जान। खुशी होनी चाहिए बहादुर, हम मौत के मुँह से बचे हैं। मैं कितना डर गई थी जब मैंने लेवेंट के रुकने का सुना। हैरत तो मुझे मम्मी पर हो रही है, क्या जरूरत थी उन्हें ऐसे बीमारी का ड्रामा करने की। वैसे क्या कमाल की एक्टिंग की, उन्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। ऐसा मत कहो जान, उन्होंने बरसों से अपने बेटे को नहीं देखा था, वो एक माँ है। बहादुर क्या मतलब, मैं माँ नहीं बन सकी तो तुम मुझसे ऐसी बात करोगे? बहादुर इस तरह की बात करके तुमने मेरा दिल दुखाया है, तीर चला दिया है तुमने मेरे दिल के ऊपर। अस्तग़फ़िरुल्लाह मेरी जान, तुम गलत समझ रही हो, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारा दिल तोड़ने के बजाय मैं जान दे सकता हूँ। मेरी जान मैं जानता हूँ तुम इस मामले में बहुत हसास हो। ठीक है बहादुर, ठीक है, इस वक्त मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए, मुझे रिलैक्स करना है। ये बुक देखो कितनी इंटरेस्टिंग है, कल मैंने इसके दिलचस्प हिस्से को पढ़ना छोड़ दिया। औरत ने मर्द को कत्ल करके उसकी बॉडी फ्रीजर में रख दी। नहीं कहां चले गए ये दोनों, एक बार मिल जाओ मुझे फिर देखना, तुम्हारी टांगे तोड़ के रख दूंगा मैं। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया है मेरे साथ। ठीक है ना पापा की जान? क्या क्या हुआ? अरे मेरा बच्चा आ गया, मैं आ गया। तुमने क्या सोचा कि तुम बच सकते हो? हाँ छोटे खरगोश, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा शिकारी बाप तुम्हें नहीं ढूंढ सकता? देखो मेरा पायरेट कश्ती से क्या लाया है। मेरा पायरेट कश्ती से सिर्फ एक डब्बा ही लेके आया। चलो देखते हैं इस डब्बे में खजाना है क्या नहीं। नहीं दूंगा। बेटा ये डब्बा मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगा डब्बा। ये नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हम ये जाकर वापस करेंगे। क्या क्या सुना नहीं आपने, हम वापस ले जाएंगे जहाँ से उठाया है ये इसने। आप इसे कैसे धोखे से उस कश्ती में भेज सकते हैं? अगर ये पकड़ा जाता तो फिर? अपना मुंह बंद करो वरना जान से मारूंगा मैं तुम्हें। चुप करो, मेरे सामने जबान चलाती है। इस किस्म की हरकतें तो सिर्फ फिल्मों में होती हैं। और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे प्यारे बेटे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना मेरे बच्चे? किसी और की जरूरत भी नहीं है, आप ही हैं जो इसे खतरे में डालते हैं। लेकिन गलती मेरी है, आपके जैसे बाप पर मुझे यकीन करना ही नहीं चाहिए था। आपके इरादे का अंदाजा हो जाना चाहिए था मुझे, बगैर लालच के आप कुछ नहीं करते हैं। लानत है तुम पर, लानत। सुनो तुम्हारी जबान भी अपनी माँ की तरह चलती है, जब देखो चक 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 करती हो। मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम तो हो ही ना शुक्री, तुमने अपने बाप को ही टप्पा देने से इनकार कर दिया। तुम मेरे प्यारे बेटे मोती जैसी आंखों वाले, चलो डब्बा अपने बाबा को दे दो। मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा डब्बा मुझे दो। भागो उमर, भागो। उमर, उमर भाग जाओ। छोड़ो मुझे, हटो। Thank you.
अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए वो लोग। बच्चे बहुत तेजी से भाग गए, मैं उन्हें नहीं पकड़ सका। आपकी कीमती चीज कोई चोरी तो नहीं हुई? बहुत कीमती। वैसे मैंने पुलिस को बुलाया है, वो पहुंचने वाले होंगे। मैं माफी चाहता हूं। बेगम साहब, आप ये मेडिसिन खा लें, आज आप बहुत रोई हैं। अल्लाह आपको सेहत दे, मुझे डर ये है कि आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। तुम इसकी फिक्र मत करो ईज़ल, इसकी कोई दवा नहीं। लेकिन मेरे दिल में जो आग लगी है उसका क्या होगा? जिसने लगाई है वो ही बुझाएगा। लेमन जल्दी वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। वो वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। कोई बात नहीं, आग में तो मेरा बेटा लेवेंट भी जल रहा है, उसकी तकलीफ के आगे मेरा दर्द कुछ भी नहीं। ऐसा मत सोचिए बेगम साहबा, अगर उसका बाप को प्यार है तो आपकी ममता की मोहब्बत है। कोई माँ ऐसी नहीं जो अपने बच्चे को दूर भेजना चाहे। चलिए अब अपनी दवाइयाँ खा लें। पिछले 5 साल से ये दर्द यहां महसूस कर रही हूं मैं। जानती हूं बेगम साहिबा, ना कोई तफरी, ना ढंग से खाना खाना, ना कहीं आना जाना। लेकिन जब वो वापस आया तो ऐसा लगा जैसे वो बोझ हट गया, मुझे सुकून मिल गया। लेकिन वो फिर चला गया। लेकिन इस बार ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल पे चट्टान रख दी हो। वो मेरा बेटा है, मेरे वजूद का हिस्सा है, वो मेरी जान है। बस मेरे लिए यही काफी है कि वो मेरी आंखों के सामने रहे, और कुछ नहीं, बस यही चाहती हूं मैं। मेरी वजह से तुम भी अभी तक सो नहीं पाए, जाओ जाके सो जाओ। छोड़िए बेगम साहिबा इस बात को, नींद तो सुस्त लोगों को प्यारी होती है, मुझे कोई मसला नहीं होता। चाहे मैं कई दिनों तक ना सोऊं, परेशान मत हूँ, वो जरूर आएगा। आप मेरी ये बात लिख के रख ले। आप ये दवाइयाँ खाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें, और कोशिश करें कि अपने दिमाग को इन परेशानियों से दूर रखें। इंसान अपने घर के अलावा कहीं सुकून नहीं पाता। वो वापस आएगा ना? जरूर आएगा, यकीन रखें मेरा। आप हमेशा कहती हैं ना कि कल एक और दिन है, यकीनन आने वाला दिन आज से बहुत बेहतर होगा। सुबह तक सब्र करें। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ, उससे आपको सुकून मिलेगा। शुक्रिया। मुझे इससे पहले कि बाबा हमें ढूंढ ले हमें जाना होगा। लानत है, मैं तो पूरा फंस गया हूं। अब इसे क्या जवाब दूंगा मैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी ना किसी तरह वो डब्बा जरूर लेना होगा। ताकि ने हमें झूले झूलने के लिए तो मरीना नहीं भेजा था ना, वो जानना चाहता होगा कि क्या किया मैंने। मरिया माँ, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा, जरा सब्र कर तुम। अब इसे क्या बताऊं मैं? मरियम, जो तुमने आज बोया है वो तुम्हें जरूर काटना पड़ेगा, मेरी ये बात याद रखना। अब क्या करूंगा मैं? देख रहे हो, मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मत उठाओ फोन।
ये दुनिया बहुत छोटी है। अब वो फ्रांस या पेरिस तो फरार होगा नहीं। मेरा सर। उफ। ओह, आ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। अब बेहतर है। तुम सब मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? टीवी में बताया था कि दस तक गिनना ज़हनी तनाव में कमी का सबब बनता है, याद रखना। शुक्र करो ये टोटका काम कर गया, वरना तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल देता। भाई अपनी सेहत का ख्याल रखें, इतना दिमागी तनाव ठीक नहीं। याद है ना वो फहद भाई दिमागी तनाव से मर गए थे? मर गया था। ये बात तुमने मुझे सुकून पहुंचाने के लिए कही होगी, शुक्रिया। तो अच्छा बच्चों, एक बात बताओ मुझे, तुम लोग, मैंने ये कारोबार क्या तुम लोगों की बेवकूफियों की वजह से नाकाम होने के लिए शुरू किया था? हाँ, आखिर तुम लोग अपना काम ध्यान से क्यों नहीं करते बताओ मुझे? अगर तुम लोग ऐसे ही काम करते रहे तो रोजी कैसे कमाओगे, खाना कैसे खाओगे? नरीमान तुम ही बताओ, हम लोग आखिर पैसे कमाएंगे कैसे? तुम क्या कहती हो? क्या कह सकती हूँ मैं, ये तो एक कारोबार है, नफा नुकसान तो हो सकता है। इतनी लालच अच्छी बात नहीं है। ये क्या कह रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बकवास कर रही है भाई। अच्छा तो तुम लोग ये कहना चाहते हो कि वहां चांदनी में चहलकदमी करने गए थे? हाँ, जबरदस्त। चामूर मुझे जरा उस बॉक्स के बारे में बताओ, क्या वाकई उसमें जेवरात थे? हाँ बिल्कुल ताकिन भाई, बहुत ही कीमती था और जबरदस्त था। तो वो जबरदस्त था? मैंने उसमें देखा था बहुत सारी कीमती चीजें थी। उसमें कीमती चीजें थी, सुना तुमने? अच्छा तो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर उस बॉक्स में कीमती चीजें थी तो तुमने वो बॉक्स उमर के पास क्यों छोड़ा बताओ? इतना कीमती बॉक्स एक बच्चे के हाथ में देना मुनासिब था? तुम इतने बड़े हो गए हो, कुछ तो अक्ल होनी चाहिए तुम्हें। बहुत अफसोस की बात है, शर्म करो। मैं तुम्हें इन सबसे ज्यादा अक्लमंद समझता था, लेकिन तुम तो बुद्धू निकले, बुद्धू। दुकान बोले भाई, ले जाओ इसे, जरा अच्छी तरह सबक सिखाओ, मारना नहीं सिर्फ डराना। बात समझ में आ गई तुम्हारी? भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, जैसे ही वो आदमी कश्ती की तरफ आया तो। मुझे कहानी मत सुनाओ, बिल्कुल भी नहीं। दुकान पहले की तरह हाथ पार मत करना, सिर्फ डराना है। ठीक है भाई, समझ गया, चलो अब जाओ, शाबाश। चलो आओ। भाई मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया। चलो अब तुम लोग करीब आ जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दे भाई। अब बहुत देर हो गई, अब जरा मेरी बात बहुत गौर से सुनो और तुम तीनों अच्छी तरह समझ लो, ठीक है? तुम लोग दुर्मुश, उसकी बेटी और उमर को ढूंढ कर लाओ, चाहे पाताल में ही क्यों न छुपे हो। समझ गए ना तुम लोग? ठीक है, अब निकलो, चलो जल्दी करो। इन शैतानों को देखो, तुम क्यों हंस रही हो? इस तरह नहीं चलेगा, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूं। वैसे वो तुम्हारा गधा भाई, छोड़ो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह,
आप आगे जाना, आप थोड़ी देर चले, उसके बाद मैं आपको उठा लूंगी गोद में, ठीक है? ठीक है आपा, हम लोग घर जा रहे हैं। हम घर नहीं जा सकते हैं क्योंकि बहुत से बुरे पायरेट्स हमें ढूंढ रहे हैं। क्या वो मुझसे बॉक्स लेना चाहते हैं? ये बॉक्स असल में उनका है ही नहीं, ये उस दूसरे शख्स का है। देखो आपा की जान, ये बॉक्स हमने जिससे चुराया है वो बहुत परेशान हो रहा होगा ना, और अल्लाह भी इस बात से बहुत नाराज होंगे, इसलिए दूसरों की चीजों को उनसे पूछे बगैर कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, और ना ही किसी की गाड़ी, कश्ती या घर में उनकी इजाजत के बगैर जाना चाहिए। ठीक है आपा की जान? तो आप वादा करते हैं? करता हूँ। किसका है ये वादा? छोटे शहजादे का वादा। शाबाश मेरी जान, यहाँ। चलो अब सोचना ये है कि आज की रात हमने कहाँ गुजारनी है। आ जाओ बेटा। देखा आपा की जान, जिसका कोई नहीं होता है उसकी हिफाजत अल्लाह करता है, हमें मिल गई है जगह। अल्लाह खैर करे, पता नहीं रात की इस पहर कौन है। बेल बज रही है बाहर, सुना नहीं तुमने? जी मैं देखती हूँ। कौन है? लेवेंट। खोलो जल्दी खोलो। मेरे बेटे, ओ खुदा का शुक्र है मेरे बच्चे तुम आ गए। मैं जानती थी कि तुम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाओगे। अम्मी बस करें, कुछ जरूरत की चीजें चाहिए। बोट पे चोरी हुई है। क्या चोरी हुआ वहां से? इफिका, इफिका कमरा खुला है क्या? इसल जाओ चाबियां ले आओ। अभी लेकर आती हूँ। इजल सुना तुमने? उसने पूछा इफी का कमरा खुला है इतने सालों बाद। मैं भी बहुत हैरान हूँ, ऐसा क्या हुआ है? फिक्र ना करो, पता चल जाएगा। वो यहीं पर है, मुझे छोड़कर नहीं गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरी जान यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है। इसे यहाँ रखते हैं। यहाँ जाओ मेरे पास, शाबाश। ये आपको उड़ा देते हैं। ये जगह हमारे खेल में गार है। आपा पायरेट का गार? जी हाँ बिल्कुल बेटा, पायरेट वाली गार। मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपने कहा था कि आपको नींद आ रही है, चलिए आंखें बंद कर लें। आपा आप मुझे कहानी सुनाएंगी? सुनाऊंगी, लेकिन पहले आप अपनी आंखें बंद करेंगे। एक दफा का जिक्र है कि एक परिंदा था और उसके पर सूरज से भी ज्यादा रोशन थे, और उसे गोल्डन बर्ड कहते थे। परिंदे का आसमान पर उड़ने का तरीका बहुत ही दिलफरेब था। दूसरे परिंदे उसे देखकर रश्क करते थे। वो कहते थे कि हमारे पास इसके जैसे खूबसूरत पर क्यों नहीं है। जब गोल्डन बर्ड फड़फड़ाता था तो लगता था जैसे कि वो आसमानों में नाच रहा हो, झूम रहा हो खुशी से। एक दिन कुछ बुरे परिंदों ने मछली पकड़ने का जाल लिया और उस गोल्डन बर्ड को उस जाल के अंदर जकड़ लिया। गोल्डन बर्ड उस जाल के अंदर फंस गया। वो फड़फड़ाने लगा, लेकिन जू-जू वो फड़फड़ाता जा रहा था, उलझता जा रहा था, और ऐसे वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया। लेकिन हमारी इस दुनिया में जहाँ बुरे परिंदे हैं वहाँ अच्छे भी हैं, और उन्हीं अच्छे परिंदों ने गोल्डन बर्ड को बचा लिया।
और उसके जख्मों को भर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो फिर से सेहतमंद हो गया और एक सुबह जब वो बिल्कुल ठीक हो गया तो वो आजाद हो गया। फिर वो गोल्डन बर्ड पहले की तरह अपने खूबसूरत परों के साथ आसमान पर उड़ने लगा और पहले से भी ज्यादा ऊंची उड़ानें भरने लगा, क्योंकि जानते हो कि अब खास बात क्या थी, अब हमारा गोल्डन बर्ड पहले की तरह तन्हा नहीं था और कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि अब उसके साथ उसके अच्छे दोस्त थे। Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu, umutsuz nasıl yaşanır. Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam. मुझे देर हो गई है ना? हाँ बहुत देर, इसीलिए हमने इंतजार नहीं किया और मिलने आ गए। अब ये मत कहना तुम यहाँ आ गई। मेरी बीवी हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही है। वैसे क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? तुम भूल गए हो ना जानू, आज तुम्हारी सालगिरह है। भूल गया था मैं। इफ्फी के पास तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। इसे गाड़ी में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ नीचे। Thank you.
बेटा तुम जाओगे तो नहीं ना, यहीं रहोगे ना? जी हाँ अम्मी, फिलहाल मुझे थाने जाना होगा बयान देने। शाबाश, उठ जाए। गुड मॉर्निंग पापा। अब जल्दी से चलने की तैयारी करनी है, ठीक है? लेकिन चलने से पहले मैं आपको एक बात समझाऊंगी, ठीक है बेटा? कभी भी दूसरों की किसी भी चीज का लालच नहीं करना है, समझ गया? समझ गया। अच्छी बात है, ये बॉक्स किसी और का है। जैसा कि हमने कल रात बात की थी, हम इसे इसके मालिक को दे देंगे। ये डील हो गई है। डील आपा? ये हुई ना बात। और इसके बदले में आपा आपको आपकी पसंद की आइसक्रीम खिलाएंगी। स्लाइड वाले सुनने का? हाँ बिल्कुल, ये आपा। रात को मैंने ख्वाब देखा। कैसा ख्वाब आपा की जान? मैंने बुरे आदमियों को देखा, लेकिन फिर एक आदमी आया। और दिखने में कैसा था वो आदमी बताओ? बहुत ताकतवर था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अच्छा तो फिर आगे क्या हुआ? उसने बुरे लोगों को हरा दिया। फिर तो वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उसने बुरे लोगों को शिकस्त दे दी और बचा लिया हमें। आपा। हाँ बोलो बेटा। बुरे लोग वापस तो नहीं आएंगे ना? नहीं आएंगे आपा की जान, कोई नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि वो सब सिर्फ एक खेल था, एक तफरी थी। चलो आ जाओ, सर्दी भी हो रही है। आ जाए आपा की जान। शहद भी निकाल लो इजल, जो बाहर से आया था। मुझे याद है बेगम साहिबा। और हाँ, वो बर्गमोट का जैम है। हाँ वो भी है। मुझे नहीं लगता कि वो सारी चीजें खाएंगे। कल रात उन्होंने इंजीर का हलवा भी नहीं खाया। लेकिन हम नाश्ता बेहतरीन तैयार करेंगे। हाँ और मामलेट नहीं भूलना, उसे पसंद है। वो बचपन से उसे टर्किश क्रीम के साथ खाता था। आप बिल्कुल फिक्र ना करें बेगम साहिबा, मैं उनके लिए बेहतरीन नाश्ता तैयार करूँगी। सुबह ही उठ के मैंने पेस्ट्रीज भी तैयार कर ली है। सिर्फ ऑमलेट तैयार करना है। जब वो टेबल पर आएंगे तो सब कुछ तैयार हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा इस पे भी डालो। आपा। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? हम कहाँ जा रहे हैं? पहले तो मैं आपको आयशा आपा के घर छोड़ूंगी, उसके बाद मैं घर जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। मुझे साथ लेकर नहीं जाऊंगी। मैं बाद में आपको अपने साथ घर लेकर चलूंगी, लेकिन अभी आपने आयशा आपा के साथ रहना है। बेहतर है कि अभी हम नहीं जाएं बाबा के पास, क्योंकि आपको याद है ना कि कल रात बाबा हमसे नाराज हो गए थे। इसीलिए आप चलो, मैं आयशा आपा के घर कुछ चीजें लेकर आती हूँ। कौन सी चीजें? आपकी मेडिसिंस। मेरे खिलौने भी ले आएगा? ठीक है, लेकिन आपके सारे खिलौने नहीं लाऊंगी, क्योंकि आपको पता है ना कि आपा का बैग छोटा सा है, इसलिए जितने ला सकूंगी उतने ले आऊंगी। चलो अब चलते हैं, आज। ठीक है। हाँ बोलो आपा की जान, अब क्या हुआ है, क्यों रुक गए? उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, किसी ऐसी जगह पर जो इस जगह से बहुत खूबसूरत होगी और आपको बहुत पसंद आएगी, जहाँ हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।